वेलकम टू माय न्यू रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं पनीर मसाला ये सब्जी। तो उसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी पनीर, दो बड़े चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, एक कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज, आधा कटोरी बारीक कटा हुआ टमाटर, दो चम्मच बेसन यानी चने का आटा, दो लाल मिर्च, दो हरी मिर्च, एक तमालपत्र और दो इलायची, दो लवंग मैंने लिए हैं। यहाँ पर हल्दी, मिर्ची पाउडर, गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा दही हमने लिया है। तो पहले हम छोटी कढ़ाई में ये जो हमारा चने का आटा है उसे थोड़ा सा भून लेते हैं। चने का आटा हमने इसलिए लिया है कि पनीर के सब्जी को एक गाढ़ापन आ जाए और वो वहाँ पर पकने के लिए तैयार हो जाए, इसलिए हम पहले ही उसे थोड़ा सा भून लेंगे। ये देखिए हमारा चने का आटा भून गया है, हम इसे उतार लेंगे। मैंने बेसन यहाँ पर निकाल लिया है। अब इस पनीर को मैं थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और नमक से मैरिनेट कर लेती हूँ। इसे अच्छी तरह से मिला लेती हूँ और 2 मिनट के लिए इसे साइड में रख देते हैं। एक बड़ी सी कढ़ाई में मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है और इसे गरम होने देते हैं। हमारा तेल अब गरम हो चुका है, इसमें हम पहले डालेंगे ये तमालपत्र और लाल मिर्च। दो इलायची और 2 लवंग। ये हरी मिर्च हमने जो रखी है इसे हम बाद में मिलाएंगे। इससे पनीर की सब्जी का जो स्वाद है वो बहुत ही निखर आएगा। इन मसाले को हम अच्छी तरह से भून लेंगे और इनकी जो आवाज़ है वो थोड़ी सी कम होने लगे तब हमें इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट मिलानी है। ये देखिए इनकी आवाज़ कितनी अच्छी तरह से आ रही है और इनका रंग भी बदल रहा है और मुझे एक अच्छी खुशबू भी आ रही है मसालों की। अब मैं इसमें डालूंगी अदरक लहसुन की पेस्ट, इसे भी हमें अच्छी तरह से मिलाना है। हमें इसे हिलाते रहना है ताकि हमारे मसाले नीचे जले ना। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। आप प्याज की पेस्ट भी बना सकते हैं लेकिन मुझे कटा हुआ प्याज अच्छा लगता है इसलिए मैंने कटा हुआ प्याज लिया है। इसे सुनहरा होने तक हमें भूनना है। जब तक ये हमारा प्याज सुनहरा रंग का होता है तब तक हम दूसरी एक छोटी कढ़ाई में पनीर को बटर में शैलो फ्राई बना लेते हैं। इसके लिए मैंने अमूल बटर लिया है, वो हमें 2 चम्मच लेना है। ये देखिए 2 चम्मच बटर मैंने लिया है
अब उसमें हमने जो मैरिनेशन के लिए रखा था पनीर, वो पनीर के टुकड़े हम इसमें डालेंगे। इस बटर को थोड़ा सा पिघलने दो। हमारा बटर मेल्ट हो रहा है और बीच बीच में प्याज को भी हिलाना है। इसका धीरे धीरे से कलर बदल रहा है देखिए, और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। गैस की आंच जो है वो धीमी ही रखनी है हमें। अब यहाँ पर देखिए ये बटर पूरी तरीके से मेल्ट हो चुका है। इसमें मैं ये पनीर के टुकड़े डाल देती हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका, देखते ही हमारे मुंह में पानी आ रहा है। एक छोटा स्नैक भी आप ऐसे बना सकते हैं। ये भूनने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा चाट मसाला डाल के आप ये भी खाने के लिए रख सकते हैं, लेकिन आज हम इसकी सब्जी बना रहे हैं इसलिए इसे भूनकर ऐसे ही साइड में रख देना है। ये हमारे प्याज का सुनहरा रंग थोड़ा थोड़ा हो रहा है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। बाद में हम सब्जी के अनुसार नमक मिला लेंगे। अब हम सिर्फ प्याज के लिए ही नमक डालेंगे। इसमें थोड़ी छोटा चम्मच हल्दी और लाल मिर्ची पाउडर। हमें जितना तीखा पसंद हो उतनी आप लाल मिर्च डाल सकते हो। मैं अब इसमें 3 छोटे चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ और इसे अच्छी तरीके से फिर से एक बार हिला लेती हूँ। देखिए कढ़ाई से अब तेल छूट रहा है, यानी हमारा प्याज अच्छी तरीके से भून गया है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ टमाटर। ये देखिए अब ये भी पूरी तरीके से एक समान हो जाए और कढ़ाई से ना चिपके, इस तरीके से एक 5 मिनट धीमी आंच पर इसे भूनना है। देखिए टमाटर से सारा तेल निकल रहा है और ये कढ़ाई से नहीं चिपक रहा है। फिर भी अभी 1 मिनट हमें इसे ऐसे ही रखना है। तब तक हम इसमें 2 छोटे चम्मच गरम मसाला मिला लेते हैं। और ये जो हमने बेसन भून कर रखा था 2 चम्मच, वो भी हमें इसमें मिलाना है। और नमक पूरे सब्जी के लिए हमें कितना चाहिए, हमने पनीर में भी नमक लगाया है इसलिए नमक थोड़ा स्वादानुसार थोड़ा कम ही डालेंगे। आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं अगर कम पड़े तो। अभी से अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। ये देखिए हमने कटा हुआ प्याज और कटा हुआ टमाटर लिया था, लेकिन इसकी कैसे पेस्ट दिख रही है। अगर आपको ड्राई ही सब्जी पसंद है तो आप इसमें पानी नहीं मिलाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर आपको ग्रेवी पतली पसंद है तो आप इसमें पानी मिला सकते हैं। अब हम इसमें मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। मुझे थोड़ी सी पतली ग्रेवी बनानी है इसलिए मैं पानी मिलाने से पहले ये जो हरी मिर्च मैंने रखी थी वो भी इसमें डाल दूंगी, उसके बाद पानी मिलाऊंगी। इस सब्जी में हमें ये ध्यान रखना है कि हमें इसे हिलाते ही रहना है, उससे क्या होगा हमारा जो मसाला है
वो कढ़ाई को नहीं चिपकेगा। मैं और थोड़ा पानी इसमें डालती हूँ। इतनी पतली ग्रेवी मेरे लिए काफ़ी है। देखिए चम्मच से मैं दिखा रही हूँ आपको कैसे सब एक तरीके से मिल घुल गया है। अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच दही। दही हमने मलाई वाला लिया है, इससे इसमें एक अनोखा स्वाद आ जाएगा। और इसे भी अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। आप सर्व करते समय भी ऊपर से दही डालकर उसे सजा सकते हैं और खाने के लिए दे सकते हैं। अब इसे हम 1 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देते हैं। उसके बाद हमने जो पनीर भून के रखा है वो इसमें डालेंगे। चुका है, ये देखिए हमारी ग्रेवी कितनी अच्छी तरीके से पक गई है। अब हम इसमें डालेंगे भुने हुए पनीर के टुकड़े। ये देखिए ये सब्जी में उबाल आ रहा है। इसे बटर में भूनने के कारण इसे एक अलग स्वाद आता है। और ये हमारे ग्रेवी में देखिए पनीर कितने अच्छे दिख रहे हैं। और जैसे होटल की सब्जी होती है वैसे ही हमारी ये पनीर मसाला दिख रहा है। और ये देखिए ऊपर बटर जो है वो कैसे आ रहा है, उसके लेयर्स दिख रहे हैं। और हरी मिर्च लाल मिर्च ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा दिख रहा है। अब 1 मिनट तक इसे ऐसे रखेंगे और हमारी सब्जी है तैयार। ये देखिए हमारी सब्जी अब तैयार है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। अब ये सब्जी आप गर्मा गर्म रोटी नान या चावल के साथ खा सकते हैं। आपको अगर इस पनीर मसाले सब्जी की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मुझे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।